ये सर ऊपर बात करें अगर वीट की, तो गेहूं का एक्सपोर्ट देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन इसी बीच गेहूं की जो कीमतें बढ़ी हैं उसको देखा देख किसानों और व्यापारियों ने इसको अब स्टॉक भी करना शुरू कर दिया है। और जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी अधिकारियों के अनुसार ऐसी खबरें आई हैं कि जो एक्सपोर्ट है वीट का, जो निर्यात हो रहा है वो अनियंत्रित तरीके से हो रहा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं हो रही है कि जितना एक्सपोर्ट डिमांड है उससे ज़्यादा ही एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो भारत में इसकी किल्लत भी हो सकती है एक वक्त पे आगे भविष्य में। तो ऐसे में अब वीट का बाजार कैसा देखते हैं आप? देखिए, वीट के बाजार की बात करें तो अभी सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है और इंटरनेशनल लेवल को देखें तो गेहूं की सप्लाई काफी कमजोर है और अभी एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से प्राइसेस जो है गेहूं में देखने को मिल रहे हैं 2200 के आसपास जो है मेरे ख्याल से शायद हाजिर मंडियों में ये प्राइसेस है और जिस और जो ग्लोबल लेवल पर हम देखें तो वहां पर स्टॉक भी काफी कम है और सप्लाई भी काफी कम है, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर देने की संभावना रह सकती है और सीधे पर भी गेहूं जो है एक्सपेक्टेड है कि $12 प्रति बुशल के पास जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। हाँ, अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन कीमतों में बनता हुआ दिखाई दे क्योंकि गेहूं की कटाई देखने को मिल रही है और इस वजह से थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो काफी पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपोर्ट काफी पिकअप होते नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि तेजी फिलहाल बनी रह सकती है और प्राइसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2800 से हो सकता है कि 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक भी जाते हुए दिखाई दे, तो जिन्होंने होल्ड किया है मेरे हिसाब से भी रखना चाहिए। देखिए, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है और डिमांड निकल रही है तो डेफिनेटली प्राइसेज जो है ऊपर जाते दिखाई देंगे और आप थोड़ा होल्ड करके चल सकते हैं, कुछ एक लिक्विडेट भी कर सकते हैं माल को, कुछ एक होल्ड करके भी चला जा सकता है जी।